Hi students, in previous video we understood the many exercises of Neha's alarm clock, and now in this video we go for the another exercises. Here we start from the frame the sentence. Here you make the sentence on given word. The first one is matters. We make the sentence using matters. Jia always matters in the class. यानी जिया जो है वो क्लास में matters means धीरे धीरे ऐसे बात करती है. Relax. She tried to relax before the examination means she tried means वो एग्जाम से पहले वो रिलैक्स होने का ट्राई करती है. नंबर थ्री snuggles. Snuggles means he snuggles himself into the sleeping bags. Means वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है इन स्लीपिंग बैग्स. यानी स्लीपिंग बैग होती है वो, उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है. दीज आर द वर्ड्स दैट वी मेक द सेंटेंसेस. एंड नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट आंसर इन वन वर्ड. नंबर वन, Who gets up Neha every day? Who gets up Neha every day? The answer is an alarm clock. The second one is I don't want to miss the bus. Who said this? Answer is Neha. Now we go for the next short question answer. Number one, when does Neha sleep at every night? The answer is Neha sleeps at 9 o'clock every night. Now the second, when does Neha eat her lunch every day? The answer is Neha eats her lunch at 1 o'clock every day. Number three, what are the different words for clock? यानी क्लॉक के बारे में और हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स के क्लॉक के अनदर नेम्स कौन कौन से हैं. द अनदर वर्ड्स फॉर क्लॉक आर अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम पीस, टाइमर एट्सेट्रा. क्लॉक मीन्स क्या कि जो मैकेनिकल जो मशीन भी है, यांत्रिक है, और जो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज किस में करते हैं, टाइम देखने में. और इसका अनदर वर्ड्स कौन कौन से हैं, टाइम पीस और टाइमर भी इसको बोला जाता है. ओके, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ वी गो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. नंबर वन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे. मीन्स टाइम अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से वेज है जिसके द्वारा हम समय का पता लगा सकते हैं. आंसर इज देयर आर मैनी वेज टू नो द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यानी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको तीन चार बता दूंगी. नंबर वन, बाय वॉचिंग द क्लॉक मोबाइल. Means if we want to know the time, then we have to see clock or mobile. In mobile we see the time, and in clock also we see the time. Now the second one is listen to the radio or television. Means कि अगर आप radio या television देखोगे या radio सुनोगे तो उसमें भी आपको time का पता मिल जाएगा. नंबर थ्री वन, आस्किंग समवन हु नोस. यानी आप उसको भी पूछ सकते हो जिसको पता है कि ये, यानी जिसके हाथ में वॉच है, तो आप उसको भी टाइम के बारे में, क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम, आप पूछ सकते हो. नंबर फोर इज बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. दिस इज वेरी ओल्ड वे, वेरी एंशियंट वे टू नो द टाइम. पहले जब क्लॉक नहीं था तब क्या करते थे लोग, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट यानी सनलाइट जो है, सूर्य की जो धूप है वो कहाँ तक आ रही है, उसके बारे में जज करके पता लगा कि वो टाइम का पता वो लगाते थे.
these are the ways that we using that ways to know the time. So this is the answer, and now we go for the next question. Here is the next question. Describe the story Neha's alarm clock. In very few sentences, we have to describe the whole story Neha's alarm clock. The first one is Neha's alarm clock is a story about a girl whose alarm always rings at 6 every morning. मीन्स नेहा सेलाम क्लॉक जो स्टोरी है वो एक ऐसी गर्ल की स्टोरी है जिसका अलार्म शार्प 6 बजे सुबह बज जाता है. सी वेक्स अप ओनली टू गो टू स्कूल, यानी वो रोज सुबह जल्दी उठती है स्कूल जाने के लिए. नंबर 3, इवन इफ सी स्टॉप्स हर अलार्म द चीपिंग साउंड्स ऑफ द बर्ड्स विल वेक हर अप. अगर इवन यानी वो अपने अलार्म को बंद भी कर देती है तो भी क्या होता है कि जो साउंड है चीपिंग साउंड यानी जो बर्ड्स का साउंड है वो उसको जगा देता है. एंड एट द लास्टली सी वेक अप बाय हर सेल्फ, यानी लास्ट में क्या होता है कि वो अपने आप ही उठ जाती है बाय हर बॉडी क्लॉक, यानी अपना जो बॉडी क्लॉक है उसे अपने आप उसका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे 6 बजे उठना ही है, तो अपने आप ही उसकी नींद उठ जाती है. सो दिस वी डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ डिस्क्राइब द स्टोरी नेहास अलार्म क्लॉक. एंड हियर दीज आर द एक्सरसाइजेस ऑफ नेहास अलार्म क्लॉक. आई होप यू अंडरस्टूड देम वेरी वेल एंड यू हैव टू नोट डाउन दीज एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक. थैंक यू.